अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, यूनिक सी, कि इसमें कोई मेजरमेंट का हिसाब नहीं है। मैंने यहाँ पर जो घर में चावल खाते हैं वो वाला स्पून लिया है, 7 स्पून ऑरेंज केक। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल फरीज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑरेंज केक बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। 7 स्पून यहाँ पर हम मैदा लेंगे, 7 स्पून चीनी लेंगे, 7 स्पून ऑयल लेंगे, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून ऑरेंज एसेंस लेंगे। ऑरेंज एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने कर लिया। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लेंगे, 4 अदद अंडे लेंगे और 1 ऑरेंज लेंगे। तो चलिए ऑरेंज केक बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये करना है कि जिस मोल्ड में आपको केक बेक करना है आप वो मोल्ड ले लीजिए। इस मोल्ड को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस कर दिया है, अब बटर पेपर लगा देंगे, ये मैंने कटिंग करके रखे हुए थे ऐसे ही सिंपल से, अब साइडों पे लगा देंगे। अब थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देंगे ताकि बटर पेपर हटे नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे ही ऑयल लगाकर भी मोल्ड में केक बेक कर सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इस तरीके से कोई भी ग्रेटर ले लेना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और ये ऑरेंज लेकर हमें 1 टेबल स्पून इसका ऑरेंज का जेस्ट निकालना है, छिलका, वाइट पार्ट रहने देंगे, सिर्फ ऑरेंज पार्ट ले लेंगे। जेस्ट इस्तेमाल करने से ऑरेंज के केक में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, रियल फ्लेवर। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑरेंज जेस्ट निकाल लिया है। अब ये जो हमारे पास ऑरेंज बचा है, अब हम इसी ऑरेंज को यूज़ में लेंगे। इस ऑरेंज का हम सारा पील रिमूव कर देंगे। ये जो ऑरेंज का पील है ये भी बहुत से बेनिफिट्स रखता है, इसे आप फेंकिएगा मत, इसका बहुत ही अच्छा मास्क बन जाता है, फेस मास्क। फ्रेंड्स, ये मैंने ऑरेंज का पील रिमूव कर दिया है, इसे ओपन कर लेंगे। अब हमें ये करना है कि इसका जितना भी ये वाइट पार्ट रह गया है इसे रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर केक का बैटर रेडी कर रही हूँ, वहाँ मैंने फ्लेम के ऊपर पतीला गरम करने के लिए रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 10 मिनट तक हम उस पतीले को गरम करेंगे, प्री हीट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इस तरीके से हम सारे ऑरेंज के जो पीसेस हैं इन्हें अलहदा कर लेंगे। ये देखिए मैंने तमाम पीसेस को अलहदा कर दिया है, मैं सेंटर में से इसे इस तरीके से करके इसके तमाम सीड्स बिल्कुल अलहदा कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है, अब हम केक के बैटर को ब्लेंड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, 4 अंडे ऐड कर देते हैं पहले। अब ऑयल ऐड करेंगे, ऑरेंज एसेंस ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। अब ये जो ऑरेंज का जेस्ट था और ऑरेंज था इसको ऐड कर देंगे, जूसर को बंद कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मिक्सचर को हमें सिर्फ 2 मिनट तक ग्राइंड करना है, ओवर बीट नहीं करना है। इस ऑरेंज केक को बनाने के लिए हमें शुगर को पीसना नहीं पड़ेगा, शुगर इसी में बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ली है, एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा दूं। ये देखिए,
अब इसमें कहीं पर भी चीनी का दाना नहीं है, तो बस अभी परफेक्टली डन है। तो फ्रेंड्स ये मैंने बॉल में ऐड कर दिया है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उन्हें ऐड करेंगे वन बाय वन छान कर। अब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमें छान के ऐड करनी है। मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छान के ऐड करेंगे। फोल्ड करेंगे। इसे हमें बीट नहीं करना है, सिर्फ फोल्ड करना है। लम्स नहीं होने चाहिए केक के बैटर में। फ्रेंड्स अब कलर ऐड करेंगे, अगर आप लाइक करें तो ऐड कर लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, जितना मुझे अच्छा लगेगा बस उतना ऐड करूँगी। मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। मिक्स करेंगे, जो हमारी पसंद का कलर आ जाएगा तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस मुझे इतना ही कलर चाहिए। ये 1/4 टीस्पून में से भी कलर बच गया है, तो बस अब हम मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे इसे। टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स मोल्ड को पतीले के अंदर रख देते हैं। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया। इसके अंदर एक जाली स्टैंड रख दिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप रख दीजिए। बी केयरफुली इसको अंदर रख दीजिए। तो चलिए इसे रख देते हैं कवर करके, फिर जितनी देर में ये बेक होता है मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ ऑन लो फ्लेम। ओके फ्रेंड्स, मुझे मैक्सिमम 1 घंटा हो गया है लो फ्लेम पे केक को कुक करते हुए। तो चलिए अब चेक करते हैं केक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ माशाल्लाह। तो ये देखिए आप लोग कितना सॉफ्ट बना है केक। तो चलिए केक को चेक करते हैं। ये देखिए क्लियर है, इट्स मीन कि केक बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आप सबके लिए बहुत ही मज़े का 7 स्पून ऑरेंज केक। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।